स्टूडेंट आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ फिशर्स इक्वेशन फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फिशर ने जो ये थ्योरी थी वो मनी की वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए 1911 में जो है ये थ्योरी दी गई थी। उसने अपनी बुक जो है परचेजिंग पावर ऑफ मनी में क्वांटिटी थ्योरी के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था कि रियल में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी। उसने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि रियल में मनी की वैल्यू की लिंक एटलीस्ट किससे होती है। तो रियल में उसने कहा कि परचेजिंग पावर इज डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मनी, कि जो भी हमारा ये परचेजिंग पावर है हमारी मनी का, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मनी। कि किसी भी कंट्री में जो मनी का जो परचेजिंग पावर होगा इट इज डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मनी। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी हाई, अगर मनी की क्वांटिटी बहुत हाई है, देन द परचेजिंग पावर इज लो, तो हमारा परचेजिंग पावर जो है वो बहुत लो होगा। और अगर क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो बहुत लोअर है तो हमारा परचेजिंग पावर हाई होगा। तो क्वांटिटी ऑफ मनी जो है अगर इंक्रीज हुई देन द वैल्यू ऑफ मनी विल बी डिक्रीज एंड द प्राइस लेवल विल बी इंक्रीज। कि अगर कंट्री में क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत अधिक मात्रा में नोटों का निर्गमन हो रहा है, गवर्नमेंट RBI जो है वो बहुत अधिक नोट्स इश्यू कर रही है और मनी की सप्लाई हाई क्वांटिटी में है, देन द वैल्यू ऑफ मनी विल बी डिक्रीज। तो मनी की जो वैल्यू होगी एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा लोअर हो जाएगी। एंड देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द वैल्यू ऑफ मनी। मनी की जो वैल्यू है और जो क्वांटिटी है इनमें दोनों में जो होती है वो इनवर्स रिलेशनशिप होती है। एंड प्राइस लेवल विल हाई, और प्राइस लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। देन देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। प्राइस लेवल और मनी की वैल्यू में जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, दोनों में जो है वो विपरीत संबंध है। और यहाँ पर दोनों में पॉजिटिव संबंध है, क्वांटिटी ऑफ मनी हाई देन प्राइस लेवल विल हाई, क्वांटिटी ऑफ मनी लोअर देन प्राइस लेवल विल ऑल्सो लोअर। तो फिशर ने जो अपनी थ्योरी है इसको टू पार्ट में जो है डिवाइड किया। फिशर के अकॉर्डिंग जो P इज इक्वल टू MV प्लस M1 और V1 अपॉन T जो है, ये फिशर ने जो अपनी इक्वेशन में बताया। P जो है इट इज डिनोटेड टू प्राइस लेवल एंड T इज डिनोटेड टू ट्रेड। P और T जो है वो ट्रेड है। तो PT जो हो गया वो हो गया डिमांड ऑफ मनी, के रियल में हम कितनी वस्तु और सेवाओं की मांग कर रहे हैं और एटलीस्ट उनका प्राइस लेवल क्या है। तो इट इज टोटली द डिमांड ऑफ मनी एंड इट इज सप्लाई ऑफ मनी, ये जो है वो सप्लाई ऑफ मनी को बता रहा है, ये है आपकी जो है वो मुद्रा की मांग को बता रहा है। M इज इक्वल टू जो है लीगल करेंसी है, कि रियल में हमारी कंट्री में RBI कितने नोट्स जो है वो इश्यू कर रहे हैं। और V जो है वो है इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज बता रहा है। M1 जो है वो क्रेडिट करेंसी को एक्सप्लेन कर रहा है और V1 जो है वो क्रेडिट जो है करेंसी उसकी जो है वो वेलोसिटी को कर रहा है। तो इट इज टोटली रिलेटेड फ्रॉम लीगल करेंसी एंड इट इज टोटली रिलेटेड फ्रॉम द क्रेडिट करेंसी। ये जो पार्ट है वो हमारी वैधानिक मुद्रा की पूर्ति का है, ये वैधानिक मुद्रा की चलन गति, ये साख मुद्रा की पूर्ति और साख मुद्रा की चलन गति। तो ये जो टू पार्ट में डिवाइड हो गया, इस ग्राफ के थ्रू जो है ये डिनोटेट किया जा रहा है कि प्राइस लेवल की जो लिंक है इज क्वांटिटी ऑफ मनी लोअर देन प्राइस लेवल लोअर, क्वांटिटी ऑफ मनी विल इंक्रीज देन प्राइस लेवल विल इंक्रीज, क्वांटिटी ऑफ मनी अगेन इंक्रीज देन द प्राइस लेवल विल ऑल्सो इंक्रीज। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, इन दोनों में आनुपातिक संबंध है। ये कम है तो ये भी कम होगा, ये अधिक हो गया तो ये भी अधिक हो गया, ये अधिक हो गया तो ये भी अधिक हो गया, और इस स्टाइल से हमारी एक प्राइस लेवल की जो लाइन चल गई। एंड देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी जो है, इन दोनों में हमारी जो है वो वैल्यू ऑफ मनी, इनकी जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। क्वांटिटी ऑफ मनी लोअर देन वैल्यू ऑफ मनी हायर, क्वांटिटी ऑफ मनी विल इंक्रीज वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज, क्वांटिटी ऑफ मनी अगेन इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ मनी अगेन डिक्रीज। तो देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द वैल्यू ऑफ मनी। तो ये पूरी जो है वो फिशर की थ्योरी है। फिशर के अकॉर्डिंग अगर हम मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे तो जो है हमारी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जिस क्वांटिटी में हमने इंक्रीज किया, अगर हमने डबल इंक्रीज किया तो यहाँ डबल इफेक्ट होगा और यहाँ हाफ से वैल्यू गिर जाएगी। और तो ये जो है रिलेशनशिप इस स्टाइल से शो की है। अब है कि रियल में फिशर की अजम्पशंस क्या थी। तो P इज द पैसिव फैक्टर, P जो इसमें माना गया है, P वो है वो हमारा एक पैसिव फैक्टर है। इट इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स, ये अदर फैक्टर से अफेक्टेड तो होता है बट अदर फैक्टर को अफेक्टेड नहीं करता है। प्रोपोर्शन ऑफ M एंड M1 इज रिमेन कॉन्स्टेंट, उसने माना है कि M और M1 का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट है। कंट्री में लीगल करेंसी और क्रेडिट करेंसी, इन दोनों के बीच में एक रेशनल रिलेशनशिप है और वो रेशनल रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट रहती है।
एवरी टाइम्स. उसके बाद है वी एंड वी इंडिपेंडेंट चेंज अकॉर्डिंग टू द एम एंड एम वन. ये जो दोनों फैक्टर्स हैं वी और वी, दे आर टोटली चेंजेस अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स. वेलोसिटी जो होगी दोनों की, चाहे वो क्रेडिट करेंसी की हो चाहे लीगल करेंसी की हो, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द लीगल करेंसी एंड क्रेडिट करेंसी. तो वी और वी है ये डिपेंडेंट फैक्टर्स है और ये इन पर डिपेंडेंट है. उसके बाद इन्होंने बताया है कि ये जो है ये इसकी है एम एंड एम वन इज रिमेन कॉन्स्टेंट और टी इज अगेन कॉन्स्टेंट. कंट्री में जो ट्रेड की क्वांटिटी है उसको भी फिशर ने कॉन्स्टेंट माना है. अब है कि फिशर के अकॉर्डिंग ये टोटली हो गया कि वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो किस स्टाइल से हुआ, कि रियल में मनी की वैल्यू की लिंक किस से है. अब फिशर की थ्योरी को अगर हम क्रिटिसाइज करें तो सबसे फर्स्ट है कि इट इज अ लॉन्ग टर्म थ्योरी. कि इसने कहा कि हमें ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं चाहिए जो लॉन्ग टर्म में जाकर के हमें रिजल्ट देती हो, हमें टोटली शॉर्ट टर्म की थ्योरी चाहिए कि आज हमने जो इवेल्युएट किया हो हमारा कल ही इसका जो है कंक्लूजन निकल करके आ जाए. तो लॉन्ग टर्म थ्योरी एक लंबी प्रोसेस चलती है, लंबी प्रोसेस चलने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है. रॉन्ग अजम्पशंस किसने जो भी अजम्पशंस जो है फिशर ने अपनी थ्योरी में दिए, वो सारी की टोटल जो अजम्पशंस है वो सारी की सारी रॉन्ग है. इस वजह से भी ये थ्योरी जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती है. उसके बाद है नेगलेक्ट इंटरेस्ट रेट. फिशर ने जो है वो इंटरेस्ट रेट को नेगलेक्ट कर दिया है. जबकि मनी की वैल्यू को जब हम इवेल्युएट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो हमारे माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए, लेकिन फिशर ने अपनी पूरी थ्योरी में कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो नहीं इंक्लूड किया. उसके बाद है नेगलेक्ट द स्टोर वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी. कि इसने रियल में मनी का एक ही फंक्शन माना है और वो है टोटली एक्सचेंज का. कि मनी केवल एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम में आती है, लेकिन रियल में मनी में स्टोर वैल्यू भी होती है. हम उनको हम फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं. एम इज द पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी इज द पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. अब इसे दो फैक्टर लिए हैं एम और वी. जबकि दोनों फैक्टर्स जो है वो ये, तो एम तो है पॉइंट ऑफ टाइम से और वेलोसिटी जो होती है वो एक टाइम पीरियड में जाकर के इवेल्युएट की जाती है. तो ऐसे दो फैक्टर को लेकर के जो है कंक्लूजन निकालना वो थोड़ा रॉन्ग होता है. पॉइंट ऑफ टाइम का पॉइंट ऑफ टाइम से होता है और पीरियड ऑफ टाइम का पीरियड ऑफ टाइम से होना चाहिए, जबकि फिशर की थ्योरी में ऐसा नहीं देखने को मिलता है. उसके बाद जो इसकी प्रोसेस है वो प्रोसेस रॉन्ग बता रहा है कि रियल में मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी और वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और प्राइस लेवल जो है वो हाफ हो जाएगा. तो ये जो प्रोसेस इसने मानी है अकॉर्डिंग टू केस इट इज द रॉन्ग प्रोसेस. सबसे फर्स्ट जो चेंजेस होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट में. जैसे ही मनी की सप्लाई हाई या लोअर होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होती है. रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होते ही इन्वेस्टमेंट का लेवल चेंज हो जाता है. इन्वेस्टमेंट का लेवल चेंज होते ही कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है. उसके बाद इनकम में चेंजेस आता है. इनकम में चेंजेस आने के बाद प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के बाद जो है वो प्राइस में चेंजेस आता है. तो यहाँ एक बहुत लंबी प्रोसेस बताई है कि इतनी लंबी प्रोसेस जाने के बाद जो है वो मनी की वैल्यू को इवेल्युएट किया जाता है. उसके बाद इसने टाइम लैग को इग्नोर कर दिया है. अकॉर्डिंग टू फिशर्स की कुछ भी नहीं होता है, तुरंत जैसा किया वैसा ही जो है वो रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आएगा. एक टाइम पीरियड जो है वो नहीं लगता है. वन साइडेड थ्योरी है. मोर प्रेशर ऑन सप्लाई. फिशर ने अपनी इक्वेशंस में सप्लाई पर ज्यादा प्रेशर दिया है कि मनी की वैल्यू को इवेल्युएट करने में सप्लाई जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जबकि ऐसा नहीं होता है. डिमांड का जो फैक्टर है एटलीस्ट वो भी पावरफुल होता है और वो भी वैल्यू को जो है वो इवेल्युएट करता है. तो इस वजह से भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है. उसके बाद है कि नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स जो होते हैं एटलीस्ट उस पर भी मनी की वैल्यू डिपेंड करती है. कि कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कम्युनिकेशन की फील्ड कैसी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या रेट है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में किस स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है, उन सबसे भी प्राइस लेवल जो होता है वो अफेक्टेड होता है. लेकिन यहाँ पर इसने अदर फैक्टर्स को जो है वो नहीं लिया है. उसके बाद नेग्लेक्ट द चेंज ऑन द इंटरनेशनल प्राइस. कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जैसे चेंजेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में भी चेंजेस होते हैं. और फिशर ने इंटरनेशनल फैक्टर्स को जो है इंक्लूड नहीं किया. तो ये टोटल जो है वो फिशर की क्वांटिटी थ्योरी से रिलेटेड है. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.